हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक नया रेसिपी लेके आपके सामने आए हैं, तिल का लड्डू। ठीक है, आज हम बनाएंगे तिल का लड्डू। सफ़ेद तिल है, 1 किलो सफ़ेद तिल ली हूँ मैं। ये देखिए, एकदम साफ सुथरा सफ़ेद तिल है। हम इसको कढ़ाई में डाल के चला लेंगे, गोल्डन लाइट सुनहरा होने तक कढ़ाई में डाल दी हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम में इसको पकाइएगा, अच्छे से इसको चलाएंगे गोल्डन होने तक, लाइट गोल्डन, ज़्यादा गोल्डन सुनहरा नहीं करेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे हम, लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये चिपक जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन मन सुनहरा कलर, हल्का सुनहरा होगा तब तक हम उसको भूनेंगे। ठीक है, ये लीजिए, तिल जो है भून के तैयार हो गया है। अभी हम इसको थाली में उतार लेंगे। ये लीजिए, अच्छे से हल्का सुनहरा हो गया है, अभी हम इसको उतार लेंगे। ठीक है, लीजिए, हम थाली में इसको उतार लिए हैं। अभी हम कढ़ाई में चाशनी बिछा देंगे, एक तार का चाशनी बनाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसमें 600 ग्राम गुड़ डालेंगे। 1 किलो तिल में 600 ग्राम गुड़ काफ़ी होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम। बहुत ही अच्छा बनता है ये तिल के लड्डू, घर में बनाइए, खा के देखिए। बाज़ार में तो ऐसे सब हर चीज़ मिल जाता है, लेकिन आप घर में बनाओगे तो अलग ही बात होगा। बहुत ही अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है। ऐसे ही प्लेन तिल का लड्डू बनाएंगे, इसमें और कुछ नहीं डालेंगे हम, इलायची पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। गुड़ को हम एक तार का चाशनी बनाएंगे। गुड़ पिघल गया है पानी में, अच्छे से उबालने दीजिए, ज़्यादा हाई फ्लेम मत कीजिए, नहीं तो गुड़ जल जाता है। मीडियम में रखिए गैस का फ्लेम को। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये लीजिए, हमारा चाशनी 95% रेडी हो गया है। एक तो तार आ रहा है, गुड़ को ऊपर से गिराने से एक तो तार आ रहा है साइड से। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आप अच्छे से ये तिल का लड्डू बना पाएंगे। ये देखिए, चाशनी रेडी। ये जो गुड़ है कढ़ाई को छोड़ने लगता है, तभी पता चलता है कि ये गुड़ एक तार का चाशनी बन गया है। फिर भी मैं हाथ में लेके दिखाऊंगी आपको कैसे बना है ये चाशनी। ये देखिए, बीच में से तार निकल आया, ये देखिए, मतलब हमारा चाशनी बनके तैयार हो गया है। अभी हम उसमें सारा तिल डाल देंगे। बन गया है बोल के, ये लीजिए, सारा भुना हुआ जो तिल हम रखे थे उसको हम डाल दिए हैं चाशनी में। अच्छे से चला लेंगे, गैस को लो फ्लेम कर दीजिए। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छे से नहीं बना पाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, फिर अच्छे से बनाइए। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये तिल का लड्डू।
बच्चे भी प्यार से खाते हैं। मिल गया है तिल और गुड़ अच्छे से मिला के हम एक तो थाली में उतार लेंगे। थाली को पहले तेल से ग्रीस कर लीजिए, नहीं तो ये तिल और गुड़ चिपक जाएगा, क्योंकि ये एक तार का चाशनी है, चिपक जाता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो दो तीन जन बैठ के बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। मैं 1 किलो तिल बनाई हूँ, इसको थाली में उतार लेंगे। थाली को पहले ग्रीस कर लीजिए अच्छे से, देखिए अच्छे से देखिए पूरा वीडियो, फिर अच्छे से बनाइए। ये थाली को मैं तेल से ग्रीस कर ली थी, उसके बाद मैं इसको उतारी हूँ ताकि ये थाली में चिपक ना जाए। थोड़ा सावधानी से बनाइए, हड़बड़ाइए मत। ये लीजिए आपका तिल का लड्डू तैयार। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना है, फटाफट बनाइए, ज़्यादा देरी मत कीजिएगा। ये लीजिए सारा तिल का लड्डू बन के तैयार हो गया है। क्वांटिटी मैं बता दी हूँ, उसी हिसाब से आप बनाइए। वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नया वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी अगले एपिसोड में। बाय।